आज बुधवार है, बुधवार शाम से मैं अपना ब्लॉग शुरू करती हूँ। चलिए पौधे में पानी दे देते हैं, क्योंकि आज सुबह से बारिश नहीं हुई है और बहुत तेज आज धूप खिली थी। पौधे में पानी नहीं देने से मेरे जितने भी पौधे हैं सब मर जाएंगे। डेली इसमें थोड़ा बहुत पानी देना ही पड़ता है। मैं गैस पे चाय बैठा के आई हूँ, वहाँ पे चाय मेरे बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक नल है, यहीं से हम लोग पानी देते हैं। पेड़ में कोई भी काम हो बाहर का, हम लोग यहीं से पानी ले लेते हैं। पानी देने में हम लोग को सुविधा भी होती है, बाहर धोना भी पड़ता है तो हम लोग यहीं से पानी लेके इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज़ अगर घर में रखो ना, उसका केयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पेड़ तो बहुत ही ज़्यादा केयर करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे बाबू खेल रहे हैं, मैं यहाँ पे पानी दे रही हूँ, वो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। चलिए मैं चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के साथ साथ उसको बिस्किट भी खिलाना है। मैं जब भी चाय लेके बैठती हूँ, पता चल जाता है वो सामने आके चुप से बैठ जाता है। उसको पता है मम्मी अभी चाय के साथ बिस्किट खाएगी, मुझे भी एक बिस्किट मिलेगा। देखिए सोया हुआ है अभी चुप से। अभी जैसे मैं चेयर पे बैठूँगी सामने में आके बैठ जाएगा। देखिए बैठ गया है, अभी मेरे हाथों से एक बिस्किट खाएगा, उसके बाद अपने मर्जी से वो घूमते रहेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, वो बहुत अच्छा है। इसको खाने दीजिए, मैं आप लोगों को वेलकम कर लेती हूँ, मैं तो भूल गई थी। नमस्कार, जय जगन्नाथ, मैं हूँ जॉली। जॉलीज डायरी में आप सभी लोगों को स्वागत करती हूँ। चलिए रात का डिनर बना लेते हैं। हम लोग लड़का और लड़की को एक समान देखते हैं। लड़की पैदा होने से हम लोग सोचते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई है, लेकिन हमारे देश में लक्ष्मी कितनी सुरक्षित है वही अभी क्वेश्चन मार्क हो गया है। हम लोग बेटी को पढ़ाते हैं, बड़े करते हैं, वो लोग जब अपने पैर में खड़े हो जाती हैं, बाहर नौकरी करने जाती है, लेकिन हम लोग के मन में यही डर रहता है जहाँ पे वो नौकरी कर रही है वहाँ पे वो कितना सुरक्षित है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए उठा रही हूँ, बंगाल में एक लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ है वो क्या होना चाहिए था? एक डॉक्टर सोच लीजिए, वो कितना पढ़ाई करके उस मुकाम में पहुंची है, उसके माता पिता कितना कष्ट किए हैं तब जाके वो डॉक्टर बनी है। डॉक्टर बनने के बाद उसका कुछ अलग ही फ्यूचर था। उसका सपना था रोगी सेवा करना, वही वो कर रही थी, उसका तो इसमें कुछ गलती नहीं था। लेकिन उसके साथ जो हुआ वो बहुत ही ख़राब हुआ। उसके लिए मैं चाहती हूँ पूरे देश के लड़का हो या लड़की हो, जितने भी पेरेंट्स, सब कोई को एक साथ आवाज़ उठाना चाहिए। अगर हम लोग अभी आवाज़ नहीं उठाते हैं तो हमारे घर के बेटियाँ भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए मैं आज इस बारे में आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है जो बहुत दूर में रहती है, वहाँ पे वो नौकरी करती है। मैं भी चाहती हूँ मेरी बेटी सुरक्षित रहे, साथ ही साथ जो बेटियाँ बाहर काम करते हैं सब कोई सुरक्षित रहे। चलिए जो होना था वो तो हो चुका है, अब देखना है जो लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं वो लोग पकड़े जाते हैं कि नहीं, और पकड़े जाने से कठिन सज़ा उन लोगों को होनी चाहिए। अगर ऐसे नहीं हुआ तो ऐसा काम दोबारा भी हो सकता है। अगर एक लड़की एक हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है तो दूसरे लड़की लोगों को बात हम क्या करें, जो लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। बहुत से लड़की हैं जो लोग होटल मैनेजमेंट पढ़ के होटल में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, वो लोग तो और भी असुरक्षित रहेंगे ना, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। आज कलकत्ता में हुआ है, कल कहीं पे भी हो सकता है, पूरे भारत में कहीं पे भी इस तरीके के घटना घट सकती है, क्योंकि आजकल का लड़के लोगों का सोच, लड़की लोगों का सोच बहुत अलग से है। हम लोग जैसे सोचते थे इन लोग ऐसे सोचते नहीं हैं। मैं यहाँ पे सब लड़का लड़की की बात नहीं कर रही हूँ, अधिकतर लड़का लड़की का सोच बहुत अलग से होते हैं और इन लोग का मन में डर नहीं है। सोचते हैं हमारे पास पैसा है तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, कुछ
सपोर्ट भी पीछे से होता है, ऐसी बात नहीं है सपोर्ट नहीं होता है। उस सपोर्ट के लिए ही उन लोग को अंदर डर भय चीज़ नहीं होती है, लेकिन उन लोग को पता होना चाहिए हम लोग के पास पैसा होने से, पावर होने से हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यही उन लोगों को समझाना है। देखिए मेरा सब्जी भी बन गई है, आलू का सब्जी बनाए हैं हम, अभी मैं रोटी बना लेती हूँ। ज़्यादा रोटी तो बनता नहीं है, 6-7 रोटी बनता है, माँ बेटा रहते हैं तो इसलिए तकलीफ़ नहीं होती है, फटाफट से हो जाती है। और रसोई करने के बाद मेरे को थोड़ा बाहर भी जाना है, कल 15 अगस्त है और उसके लिए फ्लैग ख़रीदना है, छोटा सा ही फ्लैग ख़रीदेंगे क्योंकि हम लोग रेंटेड में रहते हैं तो ऊपर जाके बड़ा फ्लैग बिना परमिशन से लगा नहीं सकते, तो घर के सामने ही छोटा सा एक फ्लैग लगाएंगे। और कल गुरुवार भी है, गुरुवार में मेरा घर में लक्ष्मी पूजा होती है तो उसके लिए फूल भी ख़रीदना है। और आज मार्केट में बहुत भीड़ होगी मेरे को पता है, कोई भी फेस्टिवल हो ना उसके अगले मार्केट में बहुत भीड़ रहती है। ऐसे भी मार्केट का रास्ता बहुत नैरो है, वहाँ पे सब गाड़ी खड़े रहते हैं, उसके बाद दुकान में लोग भरे रहते हैं तो बहुत भीड़ होती है। आप लोगों को ले चलेंगे, आप लोग देखिएगा बहुत भीड़ रहती है वहाँ पे, जाके कितना हम रिकॉर्डिंग कर पाएंगे वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। क्यों, एक तो भीड़ है, कहीं धक्कम धुक्की में मेरा हाथ से मोबाइल गिर गया तो वहीं पे मेरा ब्लॉगिंग ख़त्म, इसलिए मुझे बहुत देख जा के वीडियो करना है। चलिए मेरा रसोई ख़त्म हो गया, मेरा बेटा भी आ गए हैं, हम लोग ताला मार के निकलते हैं। मैं यहाँ पे मेरे बाबू को टाटा कर दी हूँ, उसके बाद मैं स्कूटी में बैठ के निकल रही हूँ मार्केट के लिए। मेरे घर के सामने जो मार्केट है मैं वहीं पे जा रही हूँ, वो मार्केट मेरे घर से स्कूटी में हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं, चल के जाने से 20 मिनट्स लगते हैं। देखिए आजकल तो मार्केट सभी जगह में होते हैं, आप मेन रास्ते में आइएगा चारों तरफ ही दुकान ही दुकान है। देखिए यहाँ पे भी चारों तरफ दुकान है, सब कुछ आपके हाथों के सामने मिल जाता है, लेकिन जो मेन मार्केट होता है ना जहाँ पे A to Z सब चीज़ आपको मिलेगा, वही मार्केट में हम जा रहे हैं। तो ज़्यादा दूर नहीं है, चलिए देखते देखते हम लोग पहुँच भी जाएंगे। देखिए मैं पहुँच गई हूँ, ये मंदिर तो हम लोग उस दिन आए थे पूजा करने के लिए, वही मंदिर क्रॉस करके सामने ही मार्केट पड़ता है। देखिए मैं मार्केट पहुँच रही हूँ, बहुत भीड़ है अभी से पता चल रहा है, देख रहे हैं कितना गाड़ी यहीं पे रखा हुआ है। मैं यहीं पे उतर जा रही हूँ, उसके बाद मैं चल चल के मार्केट में जाऊँगी, इसके आगे गाड़ी जाने से जाम हो जाएगी, गाड़ी रखने का जगह नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे राखी बिक्री हो रहा है, फ्लैग बिक्री हो रहा है, कितने देखिए ये भैया, देखो देखते ही देखते देखो मेरे को पोज दे दिए एक, देखिए बहुत खुश हो गए, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ देख के। चलिए अंदर चलते हैं, मैं यहाँ से एक फ्लैग ली हूँ, छोटा छोटा फ्लैग जो होता है ना ये सब 10 रुपया करके बिक रहे थे, मैं यहाँ से छोटा सा फ्लैग ली हूँ। साथ ही साथ हाथ का बैंड भी बिक रहा था, तिरंगा बैंड, तिरंगा क्लिप, तिरंगा फ्लैग, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा था। उसके बगल में ही है देखिए फूलों का दुकान, आज फूलों का दाम बहुत ज़्यादा है। मेरे को फूल और सब्जी मार्केटिंग करना है, मैं यहाँ से फूल ले ली हूँ, मार्केटिंग भी ख़त्म कर ली हूँ, उसके बाद मैं वापस जा रही हूँ। आज मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से रहिएगा, लाइफ को एंजॉय कीजिएगा, कल इंडिपेंडेंस डे है, सब कोई को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आप लोग इंडिपेंडेंस डे बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए और सुरक्षित रहिए और बिंदास रहिए।